सामने तुम नाज़रीन कैसे आप उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर अदाकार साइमा सलीम साहब। ये भी सईद मुसाब की फिल्म का हिस्सा है, तेरे बाजे भी रखी है, टेलीफिल्म भी कर रही हैं, बहुत सारे ड्रामों में आपने देख चुके हैं, कमर्शियल भी आप देख चुके हैं। इस वक्त इनकी माशाल्लाह 2-3-4 प्रोजेक्ट ऑनर हैं, आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। पहले फिल्म के हवाले से बात करनी है, साइमा साहब बताइए, छोटी सी फिल्म के बाद में बड़ी स्क्रीन पर भी आ रही है माशाल्लाह से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अनुज साहब के साथ काम करके और इस फिल्म के हवाले से? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं हमेशा की फिल्म का हिस्सा बन गई, क्योंकि काफ़ी बड़े बैनर के नीचे काम करना ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। और सब में बहुत सारी खामियाँ जाहिर है, टीवी पर तो काम किया है, फिल्म के हवाले से बहुत सारी खामियाँ थी, तो सब ने बहुत गाइड किया, बल्कि पूरी टीम ने जितने सीनियर्स ने मेरे साथ काम किया उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया। आज मेरे जितने सीनियर्स हैं वो तारीफ करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, पंजाबी जो फिल्म है हमारी थोड़ा सा लाउड एक्सप्रेशन उसमें होते हैं थोड़ा सा, तो इसका थोड़ा सा बताइए अपने रोल के हवाले से। जी, ये बेसिकली है ही एक लाउड करेक्टर। अच्छा, कोई लड़ाइयाँ कराने वाली नहीं ऐसी कि बस जाने पूछे ना। मैं जब सीन करती थी सीन बोल दो कि हल्के डबिंग करवाते वक्त भी जो सीने से जोर लगता है ना उसी तरह लाउड बोलना, और टीवी के हिसाब से तो लाउड चलता नहीं है, चाहे नेगेटिव करेक्टर भी हो तो वो लाउड नहीं चलता, ज़्यादा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन तो इसमें तो बिल्कुल लाउड। मैं हालांकि एक दो जब सीन स्टार्ट में मैंने शुरू किए तो मैं बड़ी अनकम्फर्टेबल थी, मैंने कहा ये बहुत लाउड नहीं है, तो सब ने कहा नहीं इस करेक्टर का टेम्परामेंट ही ये आपका इन सबके साथ काम था या किसी एक करेक्टर के साथ? मेरा ज़्यादातर काम प्रेशर के साथ था और बाप बेटे और सारी, लेकिन जो भी है बाप बेटे को जो चला रही हूँ वो पीछे मैं ही हूँ, मैं यानी कि बहुत डोमिनेट कर रहा हूँ। अगर मुझसे आपकी पुरानी फिल्म का जिक्र करें तो तकरीबन हर फिल्म के अंदर उन्होंने कराई, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है दीवाने तेरे प्यार के, हम भी इस वक्त थोड़े थोड़े याद होते थे जब जियाली और हमारे दोस्त इस फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत अरसे के बाद दो यंगस्टर रखा, बुला रहे लड़का कनाडा में होता है और जरूरत मिर्जा पाकिस्तान की सबसे मशहूर फिल्म मकबूल फिल्म नंबर 1 टिकटॉक है। आप क्या कहेंगे कि यंगस्टर को भी मौका मिलना चाहिए और ये अच्छा साइन है? बिल्कुल बहुत अच्छा साइन है, और जितने भी आज जितने नाम है इंडस्ट्री में सब ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनको मौका मिला तो वो आज एक अच्छे स्टार्ट में, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि नए आर्टिस्टों को नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि लाहौर में जो है शोबिज की एक्टिविटीज़ अब काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई हैं, आपकी माशाल्लाह से काम कर रही हूँ, तो ये अब कुछ बेहतर है? पिछले साल आप लोग भी बसरा सारी इंडस्ट्री परेशान थी, जब भी आप लोगों से हमारी बात होती थी कोविड की वजह से तो सब लोग बहुत अच्छी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी टीवी का भी काम शुरू हो रहा है और फिल्म भी काफ़ी बन रही है, अल्लाह करे कि दुआ से आप भी करें सब करें। मेरे दो प्रोजेक्ट, एक सोप है 12 दरवाजे और एक अब्बा जो बन रहा है। अच्छा, सोप ये वो है जो सुनील कुमार साहब? हाँ जी, सुनील कुमार साहब ने बनाया है। हाँ जी, बहुत सीनियर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, कैमरा भी बहुत अच्छे, बस उसमें भी यही करेक्टर है बहुत लाउड के साथ। नहीं, तो आप कुछ में लड़ाका क्या, आप दिखने में बहुत सॉफ्ट है, बहुत पोलाइट है, बहुत प्यार करने वाली, बस पता नहीं तो क्या ऐसा क्या आपने कर दिया? पता नहीं, हालांकि मैं घर में तो बात करती ही नहीं हूँ, मैं इतना बोल बोल के थक जाती हूँ ना टीवी में और ड्रामों में और फिल्म में, बाहर इतना बोल बोल के थक जाती हूँ, घर में मैं बात करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं, हालांकि मेरा जो भी करेक्टर घर में जब देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि बाजी आप इतना ऊँचा बोलती हैं, घर में तो आपकी आवाज़ नहीं होती है कभी आपने ना, टीवी की स्टार्ट तो फिल्म से ही किया था, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म नहीं चली तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं क्या नाम टीवी स्टार्ट किया था मैंने 98 में, तो
टीवी ही करती रही इतने साल। अभी आपने अब्बा का जिक्र किया, अब्बा का सीजन टू में आप मुहसन राना सर को प्रोड्यूस करने वाले दोस्त हैं, नाम जब उन्होंने रखा था तो लोग कहते जिया की नाम बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो ये वाला जो सीजन टू है आपका इसमें थोड़ा सा बताएंगे रोल वगैरह आपका क्या है? उसमें बेसिकली एक माँ का कैरेक्टर है और कौन सी आपकी फैमिली में लोग अंदरून शहर की एक नई लड़की है, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नई लड़की टीवी में, तो उसकी उसकी मदर और एक बाप है, तो उसमें भी यही है कि वो जो अंदरून शहर की जो खातून है अंदरून शहर की रोला पान अली, नहीं रोला डालने वाली तो नहीं, लेकिन ये है कि बाप के ऊपर भी ना उस माँ का ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि बाप का माँ का ज़्यादा प्रेशर है बाप का कम है। तो बहुत जल्दी आपकी ये दो प्रोजेक्ट आने वाले और मूवी आने वाली है, मेरी ये तो मूवी इंशाल्लाह आ जाएगी मेरी, हाँ जी इंशाल्लाह। उसके बाद एक दो ब्रेड मेरी और पड़ी हुई है, एक रिश्ते नवाज खान साहब की और एक है पंजाबी मेरा दिल चंगा, यानी कि आप टेलीविजन पर भी माशाल्लाह से बिजी हैं और साथ साथ में बड़ी सब्जियों के लिए भी काम कर रही हैं, और ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो कम बिजी हैं माशाल्लाह आप नहीं काम कर रही हैं, जितना लाहौर में काम है वो तो मैं ये सवाल बड़े अच्छे से मेरे दिल में छुपा हुआ था कि हमारे तकरीबन सभी आर्टिस्ट हैं फीमेल हैं या मेल हैं वो कराची ज़रूर गए, लेकिन आपने ये हौसला क्यों नहीं किया? कोई फैमिली की मजबूरियाँ हैं या कोई और की वजह है? नहीं नहीं फैमिली की मजबूरियाँ तो नहीं, लेकिन समझे मैं शायद दूसरी लूँ क्यों अकेले में तो बड़ा बुरे होता है, शायद परदेश काट नहीं सकती मैं हालांकि मैं इस्लामाबाद जी करके आई थी, लेकिन ये कि वहाँ जाके वो कहते हैं जी कराची जाके आप रहे हैं एक दिन उधर जा काम मिलता है, दूसरी जगह जाके थोड़ा दूसरी जगह जाके अपने आप को सेटल करना बिल्कुल एक घर का बिल्कुल सारा, यहाँ तो हम घर जाते हैं तो घर जाके हर चीज़ रेडी मिल जाती है हमको, तो वहाँ पे मैं एक अलग से घर बनाऊँ फिर वो सेटल करूँ फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अच्छा इसने हिम्मत ही नहीं की। लाहौर के आर्टिस्टों के लिए एक और अच्छी बात ये नहीं होगी कि घाम टीवी का इस्लामाबाद में ऑफिस बना है जब वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, आर्टिस्ट तो कराची से भी आते हैं जी, लेकिन लाहौर के बहुत सारे आर्टिस्ट मैं देखता हूँ यंग भी और सीनियर भी और जूनियर भी वहाँ पर भी काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमका मैंने इधर ही लाहौर में रह के हमका भी किया है, एयर भाई का भी किया है, और अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला है, बहुत अच्छी बात है। आप समझती हैं कि जो 2019 था और 2020 था कोविड की वजह से वो जो जितना बुरा गया 2021 और 2022 उतना ही अच्छा इंशाल्लाह हमारे लिए होगा, आमीन काम के हवाले से प्रोडक्शन के हवाले से इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीदें तो बहुत हैं कि इंशाल्लाह अब लोगों को इसके साथ कोरोना के साथ रहना आ गया तो इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा साथ ईद पे आप अपने नाज़रीन को फिर तेरे बाद की रखा हाँ। तोहफा देने जा रही हैं, बेस्ट ऑफ लक साइमा जी, थैंक यू इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कर लूँ। अच्छा वो कह रहे हैं कि इशारा कुछ उन्होंने किया है कि लिखते और बात की जाए, हाँ जी अगर अभी रिसेंटली आपने कराची का जिक्र किया तो अगर कोई चांस ऐसा अच्छा मिल जाता है आपको वहाँ पर काम करने के लिए या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करने की ख्वाहिशमंद हो तो कराची फिर आप जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ, लेकिन वो बात यही है कि काम के सिलसिले में तो 15-20 दिन दिल्ली में चली जाऊँ तो बंदा, लेकिन इस तरह के वहाँ रहना प्रॉपर वहाँ रहें तो वहाँ फिर उसी हिसाब से काम करें, जिस तरह लाहौर चक्कर लगा लिया ना लगाया वो अलग से मैं अकेले बहुत सारी सहेलियाँ वहाँ पे याद आती होगी वो जाती तो वापस ही नहीं आती 6-6 महीने बस वो रह सकती है मैं भी रह सकती स्टार्ट नहीं सकती। तो ऐसा डायरेक्टर है अभी जिसके साथ आप काम करें ख्वाहिशमंद हो? बहुत सारे लोग हैं तो ख्वाहिश तो मेरी सबके साथ काम करने के लिए, लेकिन बस नसीब वो जो नसीब में होता है वो मिल जाता है, जो कुछ लोग जाहिर है वहाँ पे काम कर रहे हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके जिनके साथ डेट नहीं एडजस्ट हो सकी नहीं काम किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह
दिलावर देखते रहेंगे। दिलावर साहब कभी मत भूल गई थी, दिलावर मलिक साहब कभी अभी जो बन रहा है दुश्मन है, उसका जिक्र तो बहुत पहले करना चाहिए। दिलावर दिलावर साहब को पता चल गया कि इश्फाक ने हसन ने इंटरव्यू किया मेरे प्रोग्राम में, दिलावर साहब हमें पता ही अभी चला है और अभी अभी इन्होंने जिक्र किया एक ही दिन का काम किया ना अभी के इस प्रोजेक्ट के वाले से हम आपको नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि साइमा जी उसने भी कहा डिफरेंट रोल में पहले उसमें मैं लाड नहीं हूँ, उसमें लाड नहीं हूँ, पोलाइट किस्म की हूँ। तो दिलावर साहब के साथ पहले भी आपने काम किया, दिलावर साहब के साथ कैसा कैसे इंसान है, कैसे डायरेक्टर है? माशाल्लाह बहुत कम्फर्टेबल डायरेक्टर है और आर्टिस्ट को बहुत कंफर्टेबल करके काम करवाते हैं। मैंने कभी उन्हें लाउड होते हुए नहीं देखा, बिल्कुल उनकी आवाज नहीं लगती, बिल्कुल ठंडे के हिसाब से धीमे वो बताते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल, अगर बहुत भी गुस्सा आता फिर भी हल्की सी शिकन उनकी आती है। हां बिल्कुल, लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट। दिलावर साहब हर जगह से आपकी तारीफें हो रही हैं, हम भी आपकी तारीफ करते हैं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ मौजूद होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।